अस्सलामुअलैकुम, न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक और सुबह का आगाज़ हुआ है और हर दिन की तरह आज भी मैं यही सोच रही हूँ कि किस तरीके से मुझे हर चीज़ को मैनेज करना है, अपनी फैमिली को, अपने कामों को और अपने यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है। और जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, मेरे माइंड में यही है कि ऐसा क्या करूं कि मेरी वीडियो भी लोगों को पसंद आए और मेरी वीडियो भी लोग लाइक करें और मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो व्यूज़ आएँ और मेरी वीडियो को पसंद किया जाए। तो बस इसी उम्मीद पे रोज़ सुबह उठती हूँ और अपने कामों से लग जाती हूँ। लेकिन जो मेन काम है वो है मेरी फैमिली। मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि मैं किस तरीके से अपनी फैमिली की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करूँ, क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही है। तो जनाब, आपने देखा कि हस्बैंड मेरे चले गए हैं ऑफिस और अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा गई हैं स्कूल। तो मरियम भी आज सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गई हैं और मैं सबसे पहले यहाँ पी रही हूँ अपने लिए गर्म पानी। तो तकरीबन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सुबह में उठूँ और जो है गर्म पानी पीऊँ। तो एक गिलास तो मैं जो है वो सुबह में पी लेती हूँ और तकरीबन 10 बजे के टाइम मैं तकरीबन फिर एक गिलास पानी पीती हूँ। तो साथ के साथ काम भी चल रहे हैं और क्लीनिंग मैंने सुबह ही कर ली थी, क्योंकि हमेशा याद रखें, अगर आप सुबह सुबह उठ के अपने तमाम काम कर लें तो आपका सारा दिन बहुत ही रिलैक्स सा गुजरता है। तो मेरी मॉर्निंग सुबह 5 बजे होती है और नमाज़ के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं क्लीनिंग कर लूं और फिर मैं फ़ातिमा को उठाऊं। तो डस्टिंग वगैरह मैं फ़ातिमा के स्कूल जाने के बाद करती हूँ। तो इस टाइम मरियम जो है वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, इवन के फ़ातिमा से भी पहले उठ गई थी। तो वो मैंने उसको जो है वो नाश्ता करा के सुला दिया है और अब मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ। तो आज जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मेरे व्लॉग का टाइटल यही है कि किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ अपने घर के कामों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल को, क्योंकि मैंने एक अपना गोल बना लिया है। और अगर आप कोई गोल बना लेते हैं तो अगर आप उस गोल को पूरा करने की कोशिश करेंगे और उस पर मेहनत करेंगे तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं अपने YouTube चैनल में अच्छी से अच्छी वीडियो डालूं और ताकि लोग मेरी वीडियो को पसंद करें और मेरे काम को पसंद करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे अच्छे से अच्छे व्यूज़ आएं। तो बस मैंने आजकल जो अपना गोल बनाया हुआ है वो यही है और इसी में मैं जितनी मेहनत कर सकती हूँ कर रही हूँ। मैं अपनी एडिटिंग को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब बनाया था, अपना चैनल बनाया था, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं एडिटिंग भी बहुत ही सिंपल तरीके से करती थी और अब मुझ में शौक़ और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये काम मैंने एक शौक़ से अपने आप को बेहतर तरीके से अपने टाइम गुजारने के लिए जो है वो किया था। तो मुझे यही था कि मैं जो है वो अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड करूं, क्योंकि फैमिली का अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम काम बेहतर तरीके से कर रही थी, उसके बाद फिर भी मैं बोर हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जनाब मुझे अपना भी चैनल खोल लेना चाहिए। मैं बहुत सारे जो है वो यूट्यूब चैनल्स मैंने सब्सक्राइब किए हुए थे, ख़ासकर जो है वो मैंने कुकिंग के चैनल में, आपको आज मैं अपनी वीडियो पे नाम लूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा उनकी कुकिंग पसंद है, मैं बहुत उनको फॉलो करती हूँ और आप सबकी जानी मानी जो है वो यूट्यूबर हैं। और जो है मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और उनकी सारी रेसिपीज़ मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ और वो है नौश किचन रूटीन। तो बस वो मैं अगर आप लोगों को सही बताऊँ तो उनको देख के मुझे शौक़ हुआ कि क्यों ना मुझे भी अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। और कुकिंग तो मैं भी करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ़ भी करते हैं कि अच्छी कुकिंग कर लेती हो। तो जनाब वो मेरी एक आइडियल हैं और आज तक जो है वो मैं उनको बहुत ही दिल से देखती हूँ, उनकी तमाम वीडियो को रोज़ वॉच करती हूँ। तो बस उनकी तरह उन्होंने अपने वीडियोस में अक्सर ज़िक्र किया है कि अगर आपने किसी चीज़ के बारे में ठान लिया है तो आप उसको पूरा कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उस पर मेहनत करें, उस पर काम करें और दिल से काम करें। तो मेरी भी आजकल यही कोशिश है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो आप सबका सपोर्ट, आप सबका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मेरी यही कोशिश होती है पहले कि मैं अपने
फैमिली की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करूं, और उसके बाद जो मैंने अपना एक गोल बनाया है कि किस तरीके से मुझे यूट्यूब चैनल को जो है वो आगे तक लेके जाना है और किस तरह इस पर मेहनत करनी है, तो वो भी साथ के साथ मैं करने की कोशिश कर रही हूं और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही हूं अपनी वीडियो में और अपनी एडिटिंग में, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप सीखना चाहें तो। और ये YouTube की वीडियो ही आपको बहुत कुछ सिखाने में आपका हेल्प करेंगी, बशर्ते ये कि आपको इंटरेस्ट लेना है। अगर किसी चीज़ में आप इंटरेस्ट से काम करेंगे और उसमें आपका इंटरेस्ट होगा तो आप उस चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं ख़ुद ये कहूँगी कि मैं दिन ब दिन चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रही हूँ, उनको बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ, उनको अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जनाब मैं भी किसी न किसी तरीके से अपनी वीडियोज़ पर अच्छे व्यूज़ लेकर आऊँ। तो आज की जो कुकिंग है वो मैं बिल्कुल घर के मसाले से बहुत ही कोई यमी सी रेसिपी मैंने बनाई है, चिकन ग्रेवी मसाला। और इसमें कोई मैंने बाहर का जो है वो मसाला यूज़ नहीं किया है, और खाने में ये बहुत ही कोई यमी बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और मैं अक्सर ये डिश जब मेरे पास कोई गेस्ट आते हैं तो ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ग्रेवी भी होती है और बिल्कुल ड्राई फ्रूट तो होता है, मतलब ड्राई चीज़ें तो होती हैं, बारबेक्यू टाइप भी होती है, लेकिन अगर कुछ ग्रेवी मुझे बनानी हो तो मैं इस रेसिपी को मटन में भी फॉलो करती हूँ और चिकन में भी फॉलो करती हूँ। तो आज मेरी यही जो है वीडियो है कि किस तरीके से मैं अपनी यूट्यूब के चैनल को जो है वो ग्रो करने के लिए मेहनत कर रही हूँ, और किस तरीके से मेरी कोशिश है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ ताकि मुझे अच्छे से अच्छे व्यूज़ आएँ। तो उसमें मेन चीज़ है आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार। और अगर यूं ही आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बना रहेगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और अगर मैंने उम्मीद कर ली है, मैंने ठान लिया है, तो मुझे पूरा यकीन है ख़ुद पर और अपने अल्लाह की ज़ात पर कि वो मुझे ज़रूर कामयाब करेगा। तो जनाब खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही कोई डिलीशियस सी डिश आज मैंने बनाई है, चिकन ग्रेवी मसाला, जो कि मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ और मेरी पूरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती है। तो जनाब कैसी लगी आज आप लोगों को मेरी वीडियो, ज़रूर आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो में इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख़ुद पे भरोसा है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ज़रूर जो है वो कामयाब हो जाऊंगी और अच्छी से अच्छी वीडियो और बनाने की कोशिश करूंगी और अपनी वीडियो में सुधार लाने की कोशिश करूंगी, ताकि मेरी वीडियो जो है वो और अच्छी हों और उसमें जो है वो आप लोगों का प्यार जो है व्यूज़ के थ्रू मुझे मिले। तो ये थी मेरी वीडियो जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए और मेरी कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को सही ना लगी हो, उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ। और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा मैं अपनी वीडियो में लास्ट में ये ज़रूर कहती हूँ कि अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी आप लोगों के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।